T2 स्पेस कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद ये दो थ्योरम हैं। अब इस थ्योरम में हमसे ये कह रहा है कि ये सीक्वेंस है एक्शन किसके डिफरेंट पॉइंट्स की है, सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ सेट ई, यानी इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो टर्म्स ई सेट में से ले रखी हैं और वो टर्म्स डिफरेंट है। ई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, और ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस गिवन है कि एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो हमसे प्रूव करवा रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि जो एक्स एलिमेंट है वो ई सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो हमें एक्स एलिमेंट को प्रूव करके दिखाना है कि इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस की में, और डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट में बताया था कि वहां पर जो डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की उसमें कंडीशन है ई इंटरसेक्शन जी सेट डिफरेंस सिंगलटन एक्स नॉन एम्प्टी फॉर ऑल ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स। वो कंडीशन प्रूव करनी होती है हर ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, तो फॉर ऑल के लिए प्रूव करनी है वो कंडीशन। तो यहां पर फिर हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट ले लेंगे कंटेनिंग एक्स। अब थ्योरम में दे रखा है कि ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, और हमारे पास यहां पर एक ओपन सेट भी हो गया कंटेनिंग एक्स। तो डेफिनेशन में बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में कि अगर कहीं ये दे रखा होगा ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है और हमारे पास एक ओपन सेट भी हो जो उस पॉइंट को कन्वर्ज कंटेन कर रहा हो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो फिर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिलेगा उस पॉजिटिव इंटीजर के, और उसके बाद की सारी टर्म्स उस ओपन सेट में चली जाएंगी। अब इस सेट में एम या एम के बाद की बहुत सारी टर्म्स आ चुकी हैं, और ये जो सारी टर्म्स हैं वो ई सेट की हैं, तो जी इंटरसेक्शन ई सेट में कितने पॉइंट्स आ गए, एम या एम के बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, तो दोनों का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट में से सिंगलटन सेट घटाएंगे तो फिर नॉन एम्प्टी हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो डिफरेंट हैं, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा एक टर्म एक्स के इक्वल टू हो सकती है, ठीक है। तो अब ये सारी टर्म्स ई सेट की थी और एम या एम के बाद की टर्म्स जी में हैं, तो ई इंटरसेक्शन जी में कौन सी टर्म आ गई, एम या एम के बाद की टर्म्स, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चली गई इस सेट में, और एक एलिमेंट घटाएंगे तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रह जाएगा, तो ये एक्स पॉइंट ई सेट का लिमिट पॉइंट बन गया। लास्ट थ्योरम है हाफ यूनिट की, थर्ड यूनिट हाफ तक। यहां पर ये कंडीशन दे रखी है कि मैपिंग कंटिन्यूस है फ्रॉम टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार, सिर्फ कंटिन्यूस मैप की कंडीशन है यहां पर। और एक कंडीशन और गिवन है कि ये सीक्वेंस कैपिटल एक्स के पॉइंट्स की बनी हुई है और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो ये प्रूव करके दिखाना है कि इस सीक्वेंस की इमेज भी इमेज पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ये थ्योरम तो एडवांस कैलकुलस में भी है बीएससी थर्ड सेम। अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो उस सीक्वेंस की इमेज भी इमेज पॉइंट को कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली एफ इज कंटिन्यूस मैप। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो इमेज सीक्वेंस है इमेज पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन बताई थी, सीक्वेंस कन्वर्ज इज सेट टू बी कन्वर्ज टू एक्स इफ एंड ओनली फॉर एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। तो वहां डेफिनेशन है कि प्रत्येक ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, कोई भी ओपन सेट लीजिए, एवरी की कंडीशन है, तो आर्बिट्रेरी ओपन सेट ले लेंगे फिर
जी स्टार बी एन आर्बिट्री ओपन सेट कंटेनिंग एफ एक्स। अब करली ब्रैकेट लगाएंगे तो इस सेट की इमेज इसका सबसेट हो गया। अब ये वाला सेट भी कोडोमेन का सबसेट है, ये भी कोडोमेन का। तो जो रिजल्ट्स लिखवाए थे एफ इनवर्स अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, अगर बी वन सबसेट है बी टू का और बी वन और बी टू एफ स्टार के सबसेट्स हैं तो एफ इनवर्स होल्ड होगा। तो यहां पर ये भी रिजल्ट लिखवाया था, क्या लिखवाया था ये रिजल्ट कि एफ ऑफ ए और एफ इनवर्स इस पूरे का ए इसका सबसेट होता है, ये रिजल्ट लिखवाया था। और एक और दूसरा रिजल्ट था, तो उस रिजल्ट से ए को रिप्लेस कर देंगे सिंगलटन एक्स से, और सिंगलटन एक्स सेट में तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा ही, तो यहां पर ये रिलेशन हो गया उन रिजल्ट से। अब जी ओपन सेट है और थ्योरम में दे रखा है कि मैपिंग कंटिन्यूस है, तो ये मैपिंग इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इस सेट की जो इनवर्स इमेज है वो ओपन हो गई कंटेनिंग एक्स, वो तो यहां पर है कि ये इनवर्स इमेज में कौन बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब ये कंडीशन दे रखी है थ्योरम में कि ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है एक्स पॉइंट को, तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस की में, अगर कहीं ये दे रखा हो ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो इफ एंड ओनली इफ के बाद की कंडीशन हमेशा होल्ड हो जाएगी। तो इफ एंड ओनली इफ के बाद की कंडीशन होल्ड होने के लिए कि हमें पास क्या होना चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए जो इस पॉइंट को कन्वर्ज कंटेन करे, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एम जरूर मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक ओपन सेट है जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो फिर डेफिनेशन होल्ड हो जाएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, एक पॉजिटिव इंटीजर एम जरूर मिलेगा, उस एम पॉजिटिव इंटीजर और उसके बाद की सारी टर्म्स इस ओपन सेट में चली जाएंगी। और यहां पर एफ अप्लाई कर देंगे दोनों साइड इमेज। अब ये रिजल्ट्स लिखवाया था, क्या रिजल्ट था ये, वहां पर मैंने लिखवाया था एफ एफ इनवर्स वी, ये सबसेट होता है वी का, वी को रिप्लेस कर देना जी स्टार से। तो ये इमेज जो सीक्वेंस है उसकी बहुत सारी टर्म्स चलेगी जी स्टार में एम या एम के बाद की, और हमें यही प्रूव करना था ये वाली सीक्वेंस एफ ओफ एक्स को कन्वर्ज कब करेगी, जब एफ ओफ एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट लें, एफ ओफ एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट लें और इस सीक्वेंस की एम या एम के बाद की टर्म्स उस ओपन सेट में चली जाएं जो एफ ओफ एक्स को कंटेन कर रहा है, तो ये सीक्वेंस फिर इसको कन्वर्ज कर गई। हैंस यहां तक आप लोगों की हाफ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है थर्ड।